जी सफेद जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, आपने वो भी कवर किया, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, हम कहेंगे कि वो जो ऑफिसर वहां पर भेजा हुआ था उसने जिस तरीके से किया है, तो ये डेंट करने की जरूरत, मतलब वो कार्रवाई जो की गई है पूरी हमारी डेमोक्रेसी को, हिंदुस्तान को हम वर्ल्ड का मतलब नंबर एक डेमोक्रेसी कंट्री कहते हैं, और ये इस तरीके की डेमोक्रेसी आप करोगे कि एक तरफ से 20 काउंसलर्स के वोट को घटाने के लिए आप 8 लोगों के वोट कैंसिल कर दोगे और दूसरी तरफ से एक भी वोट कैंसिल नहीं होता है, ये बहुत मतलब आश्चर्य है और सोचने की बात है। ऊपर से उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियोग्राफी के अंदर जो पूरा कम्प्लीटली दिख रहा है कि वो 8 वोट कैसे कैंसिल किए गए हैं और वो किस मंशा से वो आदमी वहां पर आया था, वो वोट की वहां पर जो उसको स्वतंत्रता से जो काम करना था वो ना करके, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए 8 वोट कैंसिल करके, और पहले से प्री डिसाइडेड जैसे हो ऐसे देख रहे हैं आप उस वीडियो के अंदर, के भी वो एकदम से वोट गिनता है, इधर के इधर रखता है, वो करता है और फटाफट से उसको पकड़ के वो जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था अपनी कुर्सी पर बैठाता है और कहता है जी मुबारक हो आप मेयर बन गए। उससे पहले उसको अनाउंस करना चाहिए था, अनाउंस करने से पहले किसके कितने वोट आए, क्या हुआ, कैंसिल हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बात ना करके सीधा ही उसको बैठा के, तो वो कर रहा है जी देखिए जी भारतीय जनता पार्टी ने मेयर बना दिया। तो हम कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, 140 करोड़ लोग हैं हमारे, हम कह रहे हैं कि इन वोट चोरों से इन्होंने क्या नहीं चोरी किया, हमारा पैसा हमारे घरों से चोरी करके निकाल लिया जनाब, हमारी माताएं बहनें 2016 में देखा आपने किस तरीके से रोलाई, वहां से चोरी शुरू करके आज इस नौबत आ गई है कि भैया आप बैलेट से अगर इलेक्शन करवाते हो तो उसके ऊपर भी हम जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वोट्स होंगे जिनकी वजह से कोई दूसरा बन रहा है तो आप उसको कैंसिल करके तो उनको बना दोगे। ये इस तरीके की जो तानाशाही जो हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि भाई अपोजिशन तो अपनी जगह काम कर रही है, अपोजिशन पार्टियां भी अपनी जगह काम कर रही हैं, लेकिन हम 140 करोड़ लोगों को आज इकट्ठा होने की और खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है और हमारा जो बेसिक राइट है वोटिंग का, उस बेसिक राइट वोटिंग के को खत्म किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जैसे कि आप साफ तौर पर यही भाजपा के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि वो जब भी वोट्स लेती है या जब भी सत्ता में आती है तो वो यही दंगलबाजियां करके आती है? बिल्कुल यही दंगलबाजियां करके आती है जनाब। आप देखेंगे अगर तो उनके पास 3-4 अस्त्र हैं, मतलब जिस तरीके के हम कहेंगे 3-4 हथियार हैं, उन हथियारों के अंदर क्या क्या है। पहला हथियार था उनके पास हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना, दूसरा हथियार था उन्होंने कोई कहा था जी 2 करोड़ नौकरियां जो हम साल की देंगे, वो 2 करोड़ नौकरियां साल की तो पता नहीं हमें, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, 20 लोगों की भी नौकरियां नहीं लगी हैं, लेकिन धांधलियां करके आप ईवीएम मशीन को हैक करवा के आप वो सारी चीजें करके आए, तो बैलेट की भी ये हालत कर दी आपने कि अगर आपके हक में वोट नहीं आ रहे तो आप उनको कैंसिल करवा दोगे, आप पूरी मशीनरी को जिस तरीके से हिंदुस्तान की को हाईजेक करके रखा हुआ, ये बहुत जो खतरनाक बात है हिंदुस्तान के लिए। आम जनता से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आम जनता से मैं कहना चाहूंगा, वो चाहे हमारे जम्मू कश्मीर की जनता हो चाहे पूरे हिंदुस्तान की जनता हो, 140 करोड़ के लोग आसपास हम लोग हैं, एक बार हमने ना गोरों को भगाया था ऐसे डंडे मार मार के, अब वो वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को डंडे मार के यहाँ से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे हिंदुस्तान को खोखला कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और चोर पार्टी है एक नंबर की है, जो आपके उसमें नहीं आएगा तो आप उसको डराएंगे, ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो उठा के जेल भेजेंगे, और वोटर के लिए जो इन्होंने निकाला है तरीकाकार, वोटर के लिए तरीकाकार बहुत बढ़िया है जी, आप मशीनों को हैक कराइए, उसको हैक कराइए, बैलेट से करवाएंगे तो आपको वोट कैंसिल करवा दिए जाएंगे, ये सारी चीजें जो करके जो हरकतें करके जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहना चाहती है, तो हमें लगता है कि ये उस तरफ लेके जाया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान को कि भाई इसको एक प्रेजिडेंट रूल के हिसाब से जैसे वो कहते हैं हिटलर शाही की तरफ, कि कल को एक ही मोदी जी हिटलर बन के रहे, कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी का नामो निशान ना रहे, उस तरफ हम हिंदुस्तान को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी जा रही है। हम आपके विश्वास से पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं जनाब, आज वो वक्त आ गया, जैसे हिंदुस्तान को हमने अंग्रेजों से आजाद करवाया था ऐसे भारतीय जनता पार्टी से आजाद करवाने का टाइम आ गया।